मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने अगर किसी भी चर की घात में चर आ जाए तो उनका आकलन किस प्रकार से करते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन किए थे। उन्हीं क्रम में अगला क्वेश्चन है कि कोस एक्स की पावर वाई साइन वाई की पावर एक्स है। अब हमें क्या करना है, इसमें डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। देखो, दोनों तरफ बराबर का चिन्ह बराबर के, इधर एक पद है, दूसरी साइड भी एक पद है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आकलन करते हैं। तो सबसे पहले पावर है उसको नीचे लाते हैं। नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब बराबर का चिन्ह है तो लॉग लेंगे तो एक लॉग इधर आएगा और एक लॉग इधर आएगा। तो इधर लॉग के अंदर कोस एक्स की घात वाई और इधर लॉग के अंदर साइन वाई की घात एक्स है। तो आपकी घात जो लॉग एम की घात एन वाला रूल है उससे ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, लॉग लेने पर हमने लॉग लिया तो ये हो गया आपका लॉग कोस एक्स की घात वाई बराबर लॉग साइन वाई की घात एक्स। अब वाई को ले आओ आगे तो ये हो गया आपका वाई लॉग कोस एक्स बराबर एक्स लॉग साइन वाई। अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि घात आपका जो ये तो नीचे आएगी घात, तो अब अवकलन करेंगे। तो इसमें देखो y log cos x है तो y अलग पद है और log cos x अलग पद, तो इनका u गुणा v वाले रूल्स से हो जाएगा। इधर भी x अलग है, log sin y अलग है, तो इसका भी क्या होगा, u गुणा v से आकलन होगा। तो हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y को हमने रख दिया कांस्टेंट और आपका लॉग कोस एक्स उसका हो जाएगा अवकलन। तो लॉग का अवकलन होता है एक बट्टा अंदर वाला, तो एक बट्टा कोस एक्स गुणा, फिर कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस, फिर लॉग कोस एक्स ऐसे रखेंगे लॉग कोस एक्स ऐसे रहा और वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। फिर एक्स को रखेंगे कांस्टेंट और इस लॉग का क्या तो हो गया एक बट्टा साइन वाई, फिर साइन वाई का हो गया कोस वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स फिर प्लस। अब हम क्या करेंगे, लॉग साइन वाई है इसको रखेंगे कांस्टेंट, लॉग साइन वाई गुणा और एक्स का, देखो यहाँ एक्स है तो इस एक्स का हो गया एक। अब देखो पूरे स्टेप में आपको ये दो जगह ऐसी है जहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स आया है, हमें डी वाई बटा डी एक्स वाले पद को एक साइड रखना, बाकी सबको दूसरी साइड रखना, क्यों, क्योंकि हमें डी वाई बटा डी एक्स ही चाहिए। तो एक तो ये रहा आपका, इसको रख दिया हमने लॉग कोस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, फिर इधर ये प्लस का है इधर आते हो जाएगा माइनस का, तो एक तो एक्स है, एक कोस बटा साइन हो गया आपका कोट वाई और एक डी वाई बटा डी एक्स बराबर के, बाकी सबको बराबर के उधर रखना है। तो बराबर के इधर लॉग साइन वाई पहले से है तो लॉग साइन वाई, अब इधर से ये पद रहा ये उधर जाएगा, तो देखो ये माइनस का आपका माइनस ये रहा तो सारा पद माइनस का हो जाएगा, माइनस इधर आते हो जाएगा प्लस, फिर आपका वाई है और साइन बट्टा कोस हो गया आपका टेन एक्स। अब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स हम ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लिया तो आपका आ गया लॉग कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, ये कॉमन ले लिया बराबर लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान गया था, तो डी वाई बट्टा डी एक्स को रखो यहीं, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स बट्टा लॉग कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई, ये हो गया आपका आंसर। अब आपका एग्जाम्पल 13 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्स की घात वाई
और वाई की घात एक्स बराबर के। तो इधर देखो, इधर तो के अचर है, कोई बात नहीं, इधर आपका एक्स की घात में वाई है, वाई की घात में एक्स है, और ये दोनों बराबर के, इस साइड दोनों गुणा में है। हमें डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों पावर को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए लॉग लेंगे, तो लॉग लेते हैं तो बराबर के एक साइड एक लॉग आता है, दूसरी साइड दूसरा लॉग आता है, लेकिन यहाँ लॉग एक आएगा और दो घात बड़े पद हैं, तो हमें यहाँ दो लॉग चाहिए। इधर लॉग लेंगे तो दोनों लॉग के अंदर दोनों गुणा में आ गई है दोनों पद। अब लॉग के अंदर अगर गुणा में हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है, लॉग एम गुणा एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। दोनों के लिए लॉग अलग अलग हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा लॉग ले लें, कोई समस्या नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपका ये दोनों अगर प्लस में आते हैं तो फिर इधर लॉग लेते तो लॉग तो एक ही आता, लेकिन लॉग ये एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स होता, और हमें दोनों के लिए अलग अलग लॉग चाहिए, और लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। उस स्थिति में हम सीधा लॉग नहीं ले सकते, उसको हम अलग अलग करके लॉग लेना पड़ेगा। तो उसको समझाएंगे जब वो वैसा क्वेश्चन आएगा। ये आपको एक बार इसीलिए बताया गया थोड़ा सा ट्रिक कि भाई दो पद आ गए, लॉग लेना है, लॉग दोनों के लिए अलग अलग चाहिए, अलग अलग तभी आएगा जब दोनों पद आपके गुणा में हो, या दोनों ही क्या हो आपके दोनों मतलब भाग वाले पद में हो, पी बट्टा क्यू रूप में हो, तो लॉग लिया जा सकता है। तो यहाँ दोनों फलन आपके गुणा में है तो सीधा लॉग ले हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो ये हुआ लॉग एक्स की पावर वाई डॉट वाई की पावर एक्स बराबर लॉग के। तो इधर हो जाएगा, आप अलग अलग करेंगे तो पहले बता देता हूँ, चूँकि लॉग अगर आपका एम गुणा एन हो तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसे हो जाता है। इसलिए यहाँ आपका ये हो जाएगा लॉग एक्स की घात वाई प्लस लॉग वाई की घात एक्स बराबर लॉग के हो। अब ये लॉग बन गया तो ये जो आपके एक्स की घात वाई है तो वाई आ गया जाएगा, इधर वाई की घात एक्स है तो एक्स आ गया जाएगा, तो वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बराबर लॉग के। अब करते हैं अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो देखो आपका वाई रहेगा कांस्टेंट, लॉग एक्स का हो जाएगा एक बट्टा एक्स क्यू यू गुणा वी से, वाई अलग फलन है, लॉग एक्स अलग फलन है इसलिए, फिर प्लस, फिर लॉग एक्स को हम रखेंगे कांस्टेंट गुणा वाई का करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस, फिर एक्स को रखेंगे कांस्टेंट लॉग वाई का हो गया एक बट्टा वाई, वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स, फिर प्लस, फिर लॉग वाई को रखा ऐसे ही और एक्स का हो गया एक बराबर, फिर लॉग के का हो गया जीरो, क्योंकि अचर पद हो गया आपका लॉग के, अचर है तो अचर राशि का अवकलन जीरो होता है। अब हमें डी वाई बट्टा डी एक्स की याद करना, तो डी वाई बट्टा डी एक्स के दो पद एक ये रहा एक ये रहा, दोनों पदों को एक साइड रखो, बाकी दोनों को भेज दो बराबर के उस साइड। अब इन दोनों दोनों एक ही साइड में है तो इन दोनों से डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया आपका लॉग एक्स प्लस, यहाँ से बच गया आपका एक्स बट्टा वाई, और ये हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। अब लॉग वाई को उधर भेजेंगे तो ये हो गया माइनस का लॉग वाई, एक इसको उधर भेजेंगे तो ये हो गया माइनस का वाई बट्टा एक्स। तो यहाँ हम लघुतम ले लेते हैं तो लघुतम आपका आएगा वाई, तो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस का एक्स, और ये हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स। यहाँ एक तो माइनस कॉमन ले लेंगे, एक एक्स लघुतम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स लॉग वाई प्लस, माइनस कॉमन ले लिया इस वजह से, और यहाँ आएगा वाई। हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो डी वाई बट्टा डी एक्स को इधर रखो, बाकी उसको तो भेज दो उधर, तो ये हुआ आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। तो y नीचे था तो ये तो जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, तो माइनस वाई गुणा एक्स लॉग वाई प्लस वाई, और ऊपर वाला पद नीचे जाके गुणा हो जाएगा तो x गुणा वाई लॉग एक्स प्लस का x, ये आपका हो गया। अब आपका अगला एग्जांपल है एग्जांपल 14, जिसमें हमें कहा हुआ है डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स की घात ए डॉट वाई की घात बी बराबर,
एक्स प्लस वाई इस पूरे पद की घात ए प्लस बी। अब देखो हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी सी करना है। देखो मैंने कहा था जब भी आपका घात ए से लेके जेड तक कोई भी पद हो उसका अवकलन करना हो तो लोग लेके अवकलन करेंगे तो आसान होगा। तो यहाँ देखो वही है, घात में ए रहा बी रहा, इस पूरे घात ए प्लस बी है तो हम लोग लेंगे। अब लोग लेंगे तो ये घात नीचे आ जाएगी। नीचे आने से पहले देखो ये घात आपकी गुणा में और प्लस में है। देखो यहाँ पद है वो दोनों गुणा में है और यहाँ दो पद है वो आपके क्या है प्लस में है। तो लोग सीधा लेने से आंसर आएगा या नहीं आएगा वो बताते हैं। यहाँ लोग के अंदर दो पद लोग लेंगे, एक लोग इधर आएगा और एक लोग इधर आएगा। हमारा काम क्या है इन घातों को नीचे उतारना। तो लोग के अंदर ये दोनों पद गुणा में आ गए तो गुणा के लिए लोग अलग अलग हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि लोग की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। इधर वाला लोग लेंगे तो लोग में x प्लस वाई की घात a प्लस बी है। अब x प्लस वाई है तो लोग इन दोनों के लिए अलग अलग नहीं होगा, लेकिन इन दोनों पूरे की घात a प्लस बी है तो a प्लस बी तो लोग से बाहर आ ही सकती है क्योंकि पूरे की घात है इसलिए। और हमें करना क्या था, हमें घातों को ही नीचे लाना है। यहाँ से घात आपकी आसानी से नीचे आ सकती है तो हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोग लेने पर लोग लिया तो ये हो गया लोग एक्स की घात ए डॉट वाई की घात बी बराबर लॉग एक्स प्लस वाई की घात ए प्लस बी। अब लॉग की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा, लॉग एक्स की घात ए प्लस लॉग वाई की घात बी बराबर। अब ये घात आपके आगे आ जाएगी ए प्लस बी आगे, और ये हो गया आपका लॉग एक्स प्लस का वाई। अब यहाँ से ये भी आ गया जाएगा आपका a log x प्लस b log y बराबर a प्लस b log x प्लस का y। अब हम करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। देखो एक्स के सापेक्ष तो ए तो आपका अचर है तो ए तो ऐसे रहेगा, वैसे तो अचर का अवकलन जीरो होता है लेकिन अचर है वो लोग एक्स के साथ आ गया इसलिए अचर का अवकलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका ए साइड में हो गया, लोग एक्स का हो गया एक बट्टा एक्स, फिर एक्स का होता है एक, एक को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया। प्लस फिर बी आपका है लोग वाई का हो जाएगा एक बट्टा वाई, और फिर खुद वाई का और होगा वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स। फिर बराबर ए प्लस बी आपका अचर है तो इनका तो बाहर रहेगा ये, इस लॉग का करेंगे तो लॉग का हो जाएगा एक बटा अंदर वाला तो x प्लस का वाई हो गया। फिर गुणा फिर अंदर वाले का और करेंगे तो x का तो हो गया एक प्लस वाई का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स। अब x का करना जरूरी है क्योंकि x प्लस वाई है तो x प्लस वाई दोनों प्लस में है ना, इसलिए गुणा में होते तो यू गुणा वी लगाना पड़ता। यहाँ x और y दोनों अलग अलग फलन हो गए इसलिए हमें दोनों का लिखना पड़ता, अगर अकेला x का पता होता तो हम एक गुणा में लिख के छोड़ देते, नहीं लिखते तो भी चलता। तो ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, dy बटा dx वाले पद को एक साइड लेंगे, बाकी दूसरे पद को दूसरी साइड लेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई को पहले एक से गुणा करेंगे, फिर dy बटा dx से गुणा करेंगे, फिर dy बटा dx वाले पद को लेके जाएंगे इधर, दोनों में dy बटा dx कॉमन लेंगे, बाकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आपका ये बन गया a बटा एक्स प्लस बी बटा वाई dy बटा dx बराबर ए प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई गुणा डी वाई बट्टा डी एक्स। अब इस पद को लेके जाएंगे इस साइड, तो बी बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स तो पहले से था, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। इधर ए बराबर के उधर ए प्लस बी पहले से है, ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस वाई पहले से है माइनस। अब ये वाला पद बिना डी वाई बट्टा डी एक्स वाला पद लेके जाते हैं तो ये जाएगा आपका ए बट्टा एक्स हो गया। अब यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपका बच गया बी बट्टा वाई माइनस ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस का वाई। और ये डी वाई बट्टा डी एक्स आ गया कॉमन बराबर। इधर हम क्या करते हैं लघुतम लेते हैं, तो अपना लघुतम आया आपका एक्स गुणा एक्स प्लस का वाई।
इधर x प्लस वाई में x प्लस वाई का भाग लग गया, x बचा x को इसे गुणा कर दो, तो x गुणा ए प्लस बी माइनस ए, x से x कट गया, अब a गुणा हो जाएगा आपका x प्लस वाई से। इधर भी लघुत्तम लेंगे, इधर भी लघुत्तम आ जाएगा y गुणा x प्लस का y, इधर आपका बच गया y से y कट गया, ये बचा, इसको b से गुणा कर देंगे, तो b गुणा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटा y बचा, तो y गुणा ए प्लस बी, ये हो गया। और बाहर आपका dy वाई बट्टा डी एक्स है बराबर। अब इसको सॉल्व किया तो आपका x गुणा एक्स प्लस वाई तो ऐसे रहा, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी एक्स। अब माइनस ए को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई। तो यहाँ अब इधर इसको सॉल्व करते हो, इसमें भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस वाई बी बट्टा आपका आ गया y, और ये हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। इधर ए एक्स कैंसिल हो गया, इधर बचा है आपका बी एक्स माइनस ए वाई बट्टा एक्स। अब ऊपर आपका वाई बी या बी वाई एक ही बात है, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया आपका बी एक्स माइनस ए वाई बट्टा वाई, और ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। यहाँ बी बी एक्स माइनस ए वाई बट्टा एक्स, अब बी एक्स माइनस ए वाई से बी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा कैंसिल, इस वाई को भेज देते हैं उधर, तो ये डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, वाई चला जाएगा ऊपर, तो y ऊपर और x नीचे, यही आपका हो गया आंसर।